guys, so in this video I'll be talking about some basic concepts of chemistry. I have already made it the notes in it. So सबसे पहले हमें डॉल्टन ने बताया था कि जो एटम होता है वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनता है. स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स है जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट है वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन. अभी ये क्वार्क की भी डिस्कवरी हो चुकी है कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन एनसीईआरटी में अभी इतना ही दिया हुआ है. सो ये तो हमें पता ही है कि सॉलिड जो होता है उनके पार्टिकल बहुत पास पास प्रेजेंट होते हैं, उनका एक फिक्स शेप होता है और उनकी फिक्स वॉल्यूम भी होती है. वाटर के लिक्विड मींस वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर होते हैं. लिक्विड जो होते हैं उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, बट लेकिन उनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती. जिस भी हम उनको जैसे भी कंटेनर में डालेंगे वो वैसे ही शेप ले लेंगे. गैस की बात करें तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, और गैस को हम कितने भी बड़े डब्बे में डाल दें या फिर कितने ही छोटे डब्बे में डाल दें तो वो पूरा उसको कंज्यूम कर लेते हैं. अगर एक डब्बे में थोड़ी सी भी गैस होगी तो वो पूरे डब्बे में प्रेजेंट होती है. तो ना इनकी कोई शेप होती है ना ही इनका कोई वॉल्यूम होता है. एंड मैटर कैन बी ऑफ टू टाइप्स, लाइक मिक्सचर्स और प्योर सब्सटेंसेस. सो प्योर सब्सटेंसेस लाइक एलिमेंट्स, सो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इट्स अ प्योर सब्सटेंस. सो लिथियम इज प्योर. इट कैन ऑल्सो भी प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक H2O. इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो दीज आर कंपाउंड्स लाइक अमोनिया. देन इट कैन बी ऑफ मिक्सचर, लाइक देन मिक्सचर इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, लाइक होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स द टू थिंग्स आर टोटली मिसेबल, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल इफ वी मिक्स सॉइल एंड वाटर सो इट विल बी नॉन मिसेबल. वी एड द सॉल्ट इन द वाटर दैन इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, मीन्स वी कैनॉट सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस. देन हेयर इज द सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सो कोई भी मैटर हो उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो होंगे. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर हम मास के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी यूनिट ग्राम या केजी में लेते हैं, प्रेशर की एटीएम या पास्कल में, टेम्परेचर इज इन कैलविन और डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम विल बी इन 1 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 cm³, डेंसिटी विल बी इन ग्राम पर ml. एंड हेयर आर सम रिलेशंस ऑल्सो दैट विल बी हेल्पफुल इन द कैलकुलेशन. सो 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³ एंड 1 atm इज इक्वल टू 760 torr प्लस 1 atm इज ऑल्सो इक्वल टू 160 प्लस 1 atm इज ऑल्सो इक्वल टू 760 mmHg. देन हम देखते हैं कि साइंस में इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज होती है सो इनको हम ऐसे नहीं लिख सकते. सो हम साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करते हैं. दी साइंटिफिक नोटेशंस आर लाइक n × 10⁻⁴. फॉर एग्जाम्पल 1.6 × 10⁻⁴. सो यहाँ पर भी इसकी हम एक ट्रिक देख सकते हैं, जैसे कि ये है 0.00016. तो हमको क्या करना है, इस जीरो को इधर की साइड लाना, मीन्स वन के बाद में लाना है. सो हम यहाँ पर इसको मूव कर रहे हैं राइट हैंड साइड. सो हमें पता है कि ये जो ग्राफ होता है ऐसे इधर की तरफ पॉजिटिव होता है एंड इधर की तरफ नेगेटिव होता है. ये एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं. सो हम यहाँ से इस पॉइंट को इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मीन्स हम राइट हैंड साइड में जा रहे हैं. सो हम जब राइट हैंड साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव साइन होता है, लेकिन हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में नेगेटिव लेंगे. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1.6 × यहाँ पे कितने ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 1.6 × 10⁻⁴, क्योंकि हम राइट साइड में हमको अपोजिट लेना है. मतलब ये एक ट्रिक है. सो राइट साइड में जाएंगे वहाँ पे पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव का यहाँ पे उल्टा साइन लगेगा, दैट इज़ नेगेटिव. देन हम इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो ऐसे कोई भी हमको वैल्यू मिल जाती है तो हम मल्टीप्लाई में ये जो 10⁻⁵ है और ये मतलब पावर्स जो होती है ऐड हो जाती है, एंड इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो इनकी आगे वैल्यू दी हुई है. इन डिवीज़न दीज एक्सपोनेंशियल टर्म्स आर सब्ट्रैक्टेड. सो यहाँ पे हम करेंगे -3 - 4, सो इट विल बी -7. सो मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म्स डिफरेंट भी हो सकती है, लाइक ये 10⁻⁵ है, ये 10⁻⁸ है, तो हम इनको ऐड कर देंगे. सो 10⁻⁰ हो जाएगा. लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमको पहले ये पावर जो होती है इनकी 10⁻⁴ है, ये 10⁻³ है, तो हम इनको ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर हम इसको 10⁻⁴ बना लें तो ये दोनों हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों ही कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो हम 10⁻⁴ बना रहे हैं, तो 4 बनाने के लिए क्या करेगा, क्या करना है हमें, इसमें +1 जोड़ना है. सो यहाँ पे +1 आना चाहिए. सो मैंने अभी बताया था कि प्लस आ रहा है, यहाँ पे प्लस आने के लिए हमको उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा. तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, सो जब लेफ्ट में हम जा रहे हैं तो हम उसमें +1 ऐड करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 10⁻⁵ एंड मल्टीप्लाई में पावर जो होती है वो ऐड अप हो जाती है. सो 3 + 1 ये 4 हो जाएगा. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 0.895 × 10⁴. सो नाउ वी कैन ऐड दीज बोथ वैल्यूज़, but this exponential value will be same, so we'll add these both and it will be as it is. Similarly we can also subtract like this. देन है सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, एक तो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. तो प्रिसीजन मीन्स द क्लोजेस्ट वैल्यू एंड एक्यूरेसी मीन्स एक्यूरेट. सो हम प्रिसीजन देखें, फॉर एग्जाम्पल 1.95 और 1.93 ये प्रिसीजन है, लेकिन अगर हम बात करें 2.01 एंड 1.99 तो हम इनको एक्यूरेट वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि हम 1.9 को 2 भी लिख सकते हैं. सो दीज आर एक्यूरेट. देन यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स बताए गए हैं. सो नॉन जीरो डिजिट्स जितनी भी होती है, अगर हमने उसमें डेसिमल नहीं लगाया हुआ है मान लो यहाँ पे, तो जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 285 है, तो ये यहाँ पे इसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर है. अगर यहाँ पे डेसिमल आ गया है तो
डेसिमल के बाद वाला हम देखेंगे, तो यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर है। सो अगर पॉइंट के बाद मान लो यहाँ पे जीरो भी आ रहा है तो हम उस जीरो को कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ नॉन जीरो डिजिट को देखेंगे। तो इसका वन सिग्निफिकेंट फिगर है और इसका टू सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन जीरो अगर इन दोनों के बीच में आ जाए तो वो उसके थ्री सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। मान लो यहाँ पे 502 हो जाएगा तो हम उसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है 2.005, तो यहाँ पे दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमने देखा था कि डेसिमल के पहले अगर जीरो है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो है और उसके बाद जो डिजिट है हम उसको कंसिडर करेंगे। सो 0.200 के पास है थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये लेकिन तभी माना जाएगा जब यहाँ पे डेसिमल प्रेजेंट हो। अगर मान लो ऐसे है 100 है तो इसके पास सिर्फ एक ही तो इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन अगर हम 100 के बाद पॉइंट लगा दें तो इसके पास थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है, एंड इस 100 के बाद अगर हम एक और जीरो लगा दें तो इसको हम बोलेंगे फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर हम इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड करें, सो ऐड करने पे तो यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आ रही है पॉइंट के बाद, लेकिन हम पॉइंट के बाद उतना ही नंबर रखेंगे जितना इसमें स्मॉलेस्ट नंबर है। मीन्स पॉइंट के बाद यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे हम 31.1 तक ही लिखेंगे। सो इसका आंसर होगा 31.1 ओनली। देन यहाँ पे कुछ राउंड ऑफ के रूल दिए हुए हैं कि मान लो 1.386 है, हमें एक डिजिट यहाँ से हटानी है। जो डिजिट हमको हटानी है अगर वो 5 से बड़ी है तो हम उसको हटा के उससे पहले वाली जो डिजिट थी उसमें एक ऐड कर देंगे। मीन्स अगर हम 6 को हटा रहे हैं, ये 5 से बड़ा है तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे, तो सो इट विल बी 1.39। जो डिजिट हम हटाना चाहते हैं वो 5 से लेस है तो ये डिजिट एज इट इज होगी, सो इट विल बी 4.33। लेकिन हमें जो डिजिट हटानी है वो 5 ही है, तो 5 से पहले अगर इवन नंबर होगा तो वो इवन नंबर तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर ऑड नंबर होगा तो हम उस ऑड को इवन बना देंगे उसमें एक और ऐड करके। लाइक 6.35 है, अब यहाँ पे ऑड है तो हम इसको 6.4 लिख सकते हैं, लेकिन अगर 6.2 ये ऑलरेडी इवन है तो हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से साइंटिस्ट के नेम भी आ जाते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था एंटोनी लेवोइसर ने। सो इसमें बोला था कि इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स जो हमने रिएक्शन में हमने जितना मास डाला है हमको प्रोडक्ट में भी उतना ही मास मिलेगा। ये नहीं है कि हमने रिएक्शन में कम डाला या फिर प्रोडक्ट में हमको ज़्यादा मिल जाएगा। सो ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है ना ही वो क्रिएट होता है, जितना हम रिएक्शन में डालते हैं उतना ही रहता है। ये सिर्फ मास की बात हो रही है, लेकिन वॉल्यूम में ऐसा नहीं होता है, मोल्स में भी ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ मास की बात है। देन उसके बाद लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो कि जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। तो इन्होंने क्या बोला कि हम कहीं से भी कोई भी कंपाउंड ले लें उसका एलिमेंट्स का जो कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेट का बोला, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें वाटर का, तो पानी हम लेक से ले लें, नाली से ले लें, या ओशन से ले लें, रिवर से ले लें, कहीं से भी ले लें, पानी का फॉर्मूला H2O ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे कंपोजिशन दिए हुए हैं कॉपर का है, सो कॉपर का नेचुरल जो होता है वो भी इतना ही होता है, सिंथेटिक सैंपल लेंगे वो भी इतना ही परसेंट होगा। सो देर इज़ नो चेंज इन द फॉर्मूला और द कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स। उसके बाद है गे लुसाक लो, दैट इज गिवन फॉर गैशियस वॉल्यूम्स गिवन बाय जोसेफ लुइस गे लुसाक। तो इनके नाम पे ही है इनका नाम। ही ऑब्जर्व दैट व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेज आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सो इसमें सिंपल से ये बोला है, हम कोई भी रिएक्शन कराते हैं सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे, तो जो उनका मतलब जो उनका कंपाउंड्स जो उनके एलिमेंट्स का रेशियो होगा वही उनके वॉल्यूम का रेशियो होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया 2H2+O2 गिव्स H2O। सो हमने यहाँ पे ले लिया 100 ml और इसके लिए हमने 50 ml और हमको मिल गए प्रोडक्ट में 100 ml। ये 2 होगा एंड ये 50 है तो ये 1 होगा। सो इनका रेशियो सेम होगा। देन उसके बाद है एवोगाड्रो लो जो कि दिया था लोरेंजो रोमानो अमेडियो कार्लो एवोगाड्रो ने। सो एवोगाड्रो ये भी सिमिलर है नाम इनके। तो इन्होंने क्या बताया था कि द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल। तो उन्होंने क्या बताया कि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे अगर जो रिएक्शन हो रही है उसमें दोनों का V1 V2 सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे और उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होंगे। है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो ये जॉन डाल्टन ने दी थी। सो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे कि दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल आइटम्स। मीन्स मेटल को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये सबसे छोटा आइटम होता है। सो कार्बन के हम कितने ही एलिमेंट बना लें सबकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम होंगी। लाइक कार्बन किसी से भी रिएक्ट करके अलग अलग कंपाउंड्स बना सकता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सेम रहेंगी। कंपाउंड्स बनते कैसे हैं, तो हम डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हैं और हम उनको जब फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं तो उससे बनते हैं कंपाउंड्स। लाइक H2+O2 तो इसको हम 2:1 में कंबाइन करेंगे तो हमको वाटर मिलेगा। देन ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी पढ़ा था कि कुछ भी नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। रिएक्शन में ऐसा कुछ भी ना ही क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, वो बस रीअरेंज हो जाते हैं, रीअरेंज होकर वो एक कंपाउंड बना लेते हैं। देन आता है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी एलिमेंट होता है वो एटम्स से मिलकर बना होता है, तो एटम्स के अंदर के जो मॉलिक्यूल है तो उनका मास कितना होता है उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास।
सो जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जो कार्बन 12 आइसोटोप होते हैं कार्बन के, तो जो कार्बन का 12 वाला आइसोटोप होता है वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल होता है। अगर हमको 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पता लगानी है तो हम क्या करेंगे, 1/12 W जो भी जिसकी भी पता लगानी है उसका वेट इनटू में कार्बन 12 की वैल्यू मास, एटॉमिक मास यूनिट को हम यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, तो यहाँ पे कार्बन के 3 आइसोटोप्स ही हुए हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14। ये इनका रिलेटिव एविडेंस है नेचर में, इसमें पाए जाते हैं एंड इनका एटॉमिक मास होता है इतना। सो हमको अब इनका एवरेज निकालना, मीन्स कार्बन का एवरेज निकालना है, तो हमको हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस इसको इसको, जितने भी आइसोटोप दिए हुए हैं इनके परसेंट और इनके एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करके सबको प्लस कर लेंगे एंड डिवाइड कर देंगे 100 से, क्योंकि ये परसेंटेज में है। सो ऐसे हमने निकाला कि कार्बन का आया 12.011, जिसको हम 12 भी लिख सकते हैं। सो हमने क्या देखा कि जो ज़्यादा अबेंडेंस में प्रेजेंट है, मतलब नेचर में 98% कार्बन 12 प्रेजेंट है। सो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम बिना सॉल्व किए देखें, अगर हमको ऑप्शंस बहुत दूर दूर दिए हुए हैं, तो हम देख सकते हैं कि कार्बन 12 जो है, सो जो ज़्यादा अबेंडेंस, जिसकी ज़्यादा अबेंडेंस होती है उसका उतना ही एटॉमिक मास होगा। सो कार्बन 12 की सबसे ज़्यादा अबेंडेंस है नेचर में, सो इसका एटॉमिक मास होगा, सो इसका एवरेज एटॉमिक मास होगा 12। लेकिन अगर बहुत पास पास है, लाइक 98 है, 98.7 है, ऐसे है, तो हमको ये ऐसे सोल्व करना होगा। पता आता है मॉलिक्यूलर मास, सो मॉलिक्यूलर मास होता है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनता है, फॉर एग्जांपल H2O है, ये एक मॉलिक्यूल है। लेकिन एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें H एक एलिमेंट है एंड O एक एलिमेंट, सो इनके एटॉमिक मास को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमें पूरा मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 एंड हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट है तो हम 2×1 लिखेंगे एंड ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, सो 16+2 इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 18। सो कुछ फेमस मॉलिक्यूल्स हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं उनके तो हमें याद रहने चाहिए, जैसे कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98, अमोनिया का 17, O2 का 32, बिकॉज 16+16, N2 का 14+14 28, CaCO3 का 100, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, ये एलिमेंट्स के हैं दोनों, और NaCl का हो जाएगा फिर 58.5। देन उसके बाद है फॉर्मूला मास, तो फॉर्मूला मास लैटिस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमने सॉलिड स्टेट में हम पढ़ते हैं, क्लोरीन 6 Na से घिरा हुआ होता है एंड 1 Na6 क्लोरीन से घिरा हुआ होता है, सो 6:6, 1:1, सो वील ऑलवेज यूज़ द सिंपल वन। देन उसके बाद है मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 1 मोल कितना होता है। जैसे हमें पता है कि एक दर्जन में 12 चीज़ें आती हैं, सो हमें पता है 1 दर्जन = 12, ऐसे ही 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022×10^23 पार्टिकल्स, सो 1 मोल में इतने पार्टिकल्स आते हैं, वैल्यू को हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। देन अगर हमको क्वेश्चन में पूछ ले कि मान लो हमें एक चीज़ दे रखी है और दूसरी चीज़ पूछी है, तो एक मान लो हमें एक मॉलिक्यूल का वैल्यू दी हुई है, दूसरे मॉलिक्यूल की वैल्यू पूछी है, तो अगर हमको मोल निकालने तो हम अगर हमको किसी मॉलिक्यूल का वेट दिया हो तो हम उसको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से मोल निकाल लेंगे। अगर पार्टिकल दिए हुए हैं तो पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, अगर वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम को हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे, जो कि होता है लीटर पर मोल। एग्जाम्पल क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 10 gram NaOH है, इसका एन क्या होगा, सो हमें इसका वेट दिया हुआ है, तो वेट दिया हो तो मोल कैसे निकालते हैं, वेट इसका वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए Na का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, सो टोटल होकर मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा एंड इट्स मॉलिक्यूलर वेट विल भी 0.25 मोल। देन है एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इनमें क्या डिफरेंस है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें H2O का, तो H2O का हम कैसे निकालेंगे, 2×1 प्लस में ऑक्सीजन का 16, तो 16 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो एम्पेरिकल फॉर्मूला इंक्लूड करता है सिंपलेस्ट रेशियो, सो H होता है 2 के रेशियो में एंड O होता है 1 के रेशियो में, तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा 2:1। देन नेक्स्ट वन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, सो लिमिटिंग रिएजेंट में इसको समझने के लिए अगर हम देखते हैं कि मान लो हमें चाय बनानी है, तो चाय में हमें डालने के लिए चाहिए चीनी, चाय पत्ती एंड दूध। मान लो हमारे पास चीनी बहुत सारी है, चाय पत्ती बहुत सारी है, लेकिन हमारे पास दूध सिर्फ 1 कप ही है, जिससे 1 कप चाय बनेगी, और हमें बनानी है 2 कप चाय, तो लेकिन चाय कितनी बन सकती है, 1 ही कप बनेगी। सो जो प्रोडक्ट है, जो हमें हमारी चाय बनानी है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जो सबसे कम हमें हमारे पास वैल्यू है, सो सब हमारे पास चीनी बहुत सारी है, चाय पत्ती बहुत सारी है, लेकिन हमारे पास जब दूध 1 कप ही है तो हम उससे 1 ही कप चाय बना सकते हैं, तो सो जो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी प्रोडक्ट, उसी पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट की सिंपल वैल्यू निकालने के लिए हम करेंगे एन, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ये, जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है एंड इसका 1। सो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्सड विद 0.20 मोल ऑफ Na3PO4, द मैक्सिमम मोल्स ऑफ Ba3PO4 का होल ट्वाइस दैट कैन बी फॉर्म्ड। सो इसके मोल्स पूछे हम इनको, हमें इन दोनों के मोल्स दे दिए, मीन्स रिएक्टेंट के दे दिए, प्रोडक्ट के मोल्स बताने, सो इसके 0.5 हैं, इसके 0.2 हैं, तो सो इन दोनों में से हमें निकालना है कि इनका लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, तो जो चीज़ कम होगी उतना ही उसके हिसाब से हमारा प्रोडक्ट बनेगा।
जैसे इसका 0.5 है, तो इसके सबसे पहले हमें मोल्स दिए हुए हैं डायरेक्ट, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो मोल्स हैं तो उसको उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो 0.5/3 एंड 0.2/2, सो ये आ गया 0.1, तो ये वाली वैल्यू इनमें से छोटी होगी 0.1, सो हम इसको और जो हमें पूछा इसको अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो इसके मोल्स डिवाइडेड बाई 2 ये इज इक्वल टू इसके मोल्स डिवाइडेड बाय इसका कोफिशियंट। सो जब हमें इसके मोल्स निकालने मीन्स हमें इसके मोल्स निकालने तो इक्वल टू ये डिवाइड 1 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल जाएगा, सो 0.2/2 मीन्स यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, इसके 0.1 मोल्स बनेंगे। देन हम अगर बात करें मास परसेंट की सॉल्यूशन में, तो मान लो हमने अगर चाय बनाई थी, तो अगर वो अच्छी बनी है तो कोई हमसे पूछेगा कि तुमने उसमें कितनी चीनी डाली, कितनी चाय पत्ती डाली, तो हमें अगर उसका परसेंटेज निकालना है मास बाय मास का, तो वो कैसे निकालेंगे, अगर मास परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट का मास लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन का मास लेंगे इनटू 100। इनके क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होंगे, जैसे कि हमें दे दिया एक सॉल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम हमने ऐड किया एक सब्सटेंस और एक 18 ग्राम ऐड किया हमने इसमें पानी, तो फिर उसका मास परसेंटेज बताओ, तो हमको दोनों के वेट दे दिया, तो हमें क्या करना है इसका मास लिखेंगे डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन का हमें नहीं दिया लेकिन हमें पता इन दोनों को मिलकर सॉल्यूशन बना, तो सॉल्यूशन किससे बना, 2+18 सो 2/20 इनटू 100 दैट इज 10%। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन भी ऐसे होते हैं, मान लो एक कंटेनर है हमने उसमें ए के भी मोल्स डाल दिए बी के भी मोल्स डाल दिए दोनों मिक्स कर दिए, तो हम यहाँ से ए के मोल्स निकाल सकते हैं, लगे हमको ए के मोल्स निकालने हैं तो हम इसका मोल लिखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, बी के निकालने हैं तो बी के मोल डिवाइडेड बाय इन दोनों के टोटल मोल्स, एंड हमें पता है कि ए के मोल और बी के मोल दोनों को ऐड करने पे इक्वल टू 1 होता है, दिस इज यूनिवर्सल मोलारिटी। सो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में इन लीटर्स, यहाँ पे हमें किसी भी 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ जितने मोल्स दिए हुए हैं हमें उसके मोल्स निकालने हैं मीन्स वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट से, एंड देन उसका नीचे वॉल्यूम लिखना है। उसके बाद आता है मोलालिटी, तो मोलालिटी में हम बस ये मोलालिटी एक अकेला ही ऐसा है जिसमें हम नीचे सॉल्वेंट लेते हैं, बाकी हम सभी में सॉल्यूशन नीचे लेते हैं, सो इसमें क्या करना होता है कि हमें ऊपर लेने होते हैं नंबर ऑफ मोल्स एंड नीचे हम लेंगे सॉल्वेंट का मास, और मोलालिटी जो होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ यही पूछेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन है जो कि होती है मोलालिटी। देन एक और टर्म होती है नॉर्मैलिटी, तो नॉर्मैलिटी होती है कि इक्विवेलेंट, सो इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सो इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ मोलर मास जो होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट मतलब कि डिवाइड कर देते हैं हम उसको एन फैक्टर से, और एन फैक्टर कैसे निकलते हैं, जैसे कि अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो अगर एसिड के बारे में हम देखें तो हम उसमें देख लेंगे कि कितने एच प्लस निकल रहे हैं, जितने एच प्लस निकल रहे हैं उतने उसके एन फैक्टर होंगे, अगर बेसिक रिएक्शन है तो हम उसमें देखेंगे ओ एच माइनस कितने निकल रहे हैं। सो जैसे हमने मास परसेंटेज निकाला था, अगर पी पी एम दे दे तो पार्ट्स पर मिलियन, तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको 10^6 से मल्टीप्लाई करना 100 की जगह, अगर मास बाय मास पी पी एम बोला है तो डब्ल्यू बाय डब्ल्यू लिख लेंगे सॉल्यूट और सॉल्यूशन का, एंड उसको 10^6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर पी पी बी है मीन्स पार्ट्स पर बिलियन तो 10^9 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एक और रिलेशन होता है ग्राम पर लीटर, या फिर हम इसको बोल देते हैं स्ट्रेंथ, तो ग्राम पर लीटर ही होता है मीन्स ग्राम मीन्स मास लेंगे हम सॉल्यूट का, लीटर मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। एक और रिलेशन है कि मोलैरिटी जो होती है वो स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मोलर मास होती है।